कबीर जी का बड़ा सुंदर वचन है कबीर कहते हैं दर्शन जाइए साध को न लीजे को आगे पांव राखिए पाछ हुए

इस प्रकार चाहिए कि मन में कुछ और ना हो मन खाली होना चाहिए अरे मन का बर्तन खाली होगा तभी तो सदगुरु कुछ भर सकेगा उसमें और अगर मन पहले ही भरा भराया है, तो जगह ही नहीं है वहां जाएगा कुछ क्या एक फकीर के पास एक नवयुवक आया और आके कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ आया हूं और अब मैं साधु बनूंगा मैं ईश्वर की राह में चलूंगा मैं सब कुछ छोड़ आया हूं फकीर ने उसकी ओर देखा और कहते हैं हां मैं तुम्हें साधु बनाऊंगा पर पहले इस भीड़ को विदा कराओ ये जो भीड़ तुम अपने साथ लाए युवक कहता भीड़ उसने पलट के देखा पीछे तो कोई नहीं वो कहते महाराज कोई नहीं है फकीर ने कहा नहीं है इस भीड़ को पहले विदा करके आओ मैं फिर तुम्हें साधु बनाऊंगा वो फिर बाहर आश्रम के गेट तक चला गया कि शायद बाहर कुछ लोग ना खड़े हों बाहर भी कोई नहीं है समझ नहीं लगी फिर आया भीतर कितना तो गुरुदेव मैं अकेला ही आया हूं मेरे साथ कोई नहीं आया है आप क्या कहे जा रहे हैं बार बार कि भीड़ को भेज दो भीड़ को भेज दो मेरे साथ कोई नहीं है फकीर ने कहा आंख बंद कर उसने आंख बंद करी बोले बताओ अब क्या दिख रहा जो दिखे वो बोलते जाना नौजवान बोलना शुरू हुआ मेरी पत्नी रोती हुई दिख रही है मेरी मां रोती हुई दिख रही है मेरा बाप मुझको मना रहा है मेरे पड़ोसी मुझे समझा रहे हैं मेरे बच्चे मेरी टांगों के साथ लिपटे हुए हैं कि पिताजी हमें छोड़ के मत जाओ फकीर कहते आंख खोल यही भीड़ कह रहा हूं इस भीड़ को पहले छोड़ के आ फिर साधु बनाऊंगा तो सारी भीड़ अपने साथ लाया संसार किसी वस्तु का नाम नहीं है संसार परिवार का नाम भी नहीं है संसार किसी मनुष्य का नाम भी नहीं है और संसार बाहर है ही नहीं तुम्हारा संसार तुम्हारे मन में है कई बार आप अगर किराए के किसी घर में रहे हों बचपन में जिस घर में रहे हों और वो घर देख के आप कहते हो हम यहां रहते थे ये हमारा ननिहाल का घर है यह हमारा ददिहाल का घर है हम यहां रहते थे अब तो नहीं रह रहे हो तो भी उस घर के साथ लगाओ कहाँ है आज भी मन में ये स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था ये कॉलेज में मेरे साथ था आज कहाँ है पता नहीं लेकिन तुम्हारे लिए और तुम्हारे मन में आज भी है समझे इस बात को दोस्त दुश्मन बाहर नहीं है मन में है अपने पराए बाहर नहीं है मन में है लेना देना बाहर नहीं है मन में है भक्त भगवान बाहर नहीं वो भी मन में ही है गुरु शिष्य मन में ही है तो संसार कहां है आपके मन में है तो आप अपना संसार लिए लिए घूमते हैं और किसी दिन मौत आएगी शरीर को खत्म कर देगी लेकिन तुम्हारा संसार फिर भी तुमसे नहीं छीनेगी छीन ही नहीं सकती मौत की क्या मजाल क्या आपके मन तक पहुंच सके तुम्हारे कई कई जन्म स्वप्न की तरह ही तो बीत चुके हैं इसीलिए आपको पिछला एक भी जन्म याद नहीं क्योंकि उसकी कीमत स्वप्न से ज्यादा कुछ भी नहीं थी इसीलिए याद नहीं है आज जिस जगत को आप सच्चा और मेरा मेरा के दुखी सुखी होते हो इस शरीर के छूटते ही आपकी सारी जिंदगी आपके सारे रिश्ते आपकी सारी पोजेशंस सपना और वो सपना जो याद भी नहीं रहने वाला सपने से अधिक कुछ भी नहीं इसीलिए महात्माओं ने संसार को खुली आंख का सपना कहा है तो दो सपने देखते हैं हम एक आंख बंद करके एक आंख खोल के अब मैं आपसे पूछती हूं इस समय आप बंद आंख वाला सपना देख रहे हैं कि सत्संग हो रहा है आप हॉल में बैठे हैं या ये खुली आंख का स्वप्न है चूंटी काटो अपने चेक करो बिकॉज एवरी ड्रीम सीम्स टू बी रियल इफ अ ड्रीम डजन साउम्स टू बी रियल देन अ ड्रीम इजेंट अ ड्रीम स्वप्न की यही खासियत है वो सच्चाई प्रतीत होता झूठ नहीं प्रतीत होता और किसी दिन अगर सपना चलते चलते में यह ख्याल आ जाए कि ये सपना है सपना उसी समय टूट जाएगा एक एक्सपेरिमेंट है मैं तुम्हें देती हूं ये एक्सपेरिमेंट ये है जैसे लोग राम 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 राम, राम, राम जपते हैं ऐसे ही आप दिन के 24 घंटे में 24 बार चौबीस हजार बार चौबीस लाख बार ये अपने आप को कहते रहो ये सपना है ये सपना है ये सपना है ये सपना है अभी बोल के कहोगे तो पागल खाने पहुंच जाओगे डोंट बी वोकल कीप इट इन योर माइंड ये सपना है ये सपना है खाओ पियो काम करो डोंट स्टॉप एनी एक्टिविटी बट सिर्फ एक ही ख्याल कि ये स्वप्न है स्वप्न है स्वप्न है तीन से छह महीने तलक एक ऐसा समय जरूर आ जाएगा कि रात सपना चल रहा है और आपको ये विचार आ जाएगा कि ये सपना है और अगर सपने में यह ख्याल आ गया कि यह सपना है वो सपना टूट जाएगा और सपना ही नहीं टूट जाएगा तुम जाग जाओगे तुम भी जाग जाओगे वाह संसार को इतनी अहमियत मत दीजिए कि सारा समय संसार मन में लिए लिए घूमते रहो तो कबीर कहते हैं दर्शन जाइए साध को साथ न लीजिए कोई मन में किसी को न लेके जाओ मन खाली लेके जाओ आगे पांव राखिए पाछे हो सो हो पीछे जो हो जावे सो हो जावे पीछे का कोई विचार नहीं पीछे का कोई ख्याल नहीं पीछे का ख्याल तो छोड़िए आप तो अपना मोबाइल फोन नहीं बंद कर पाते हो पीछे की रस्सियां सारी लगाई होती है देखे वो भी जमाना अच्छा ही था ना जब खाली लैंडलाइन होती थी और कम होती थी एक मोहल्ले में एक ही फोन और फिर धीरे धीरे दो चार फोन हो गए फिर धीरे धीरे हर घर में फोन हो गया अच्छी बात है पर फोन करना हो तो फोन तक जाना होगा और फोन कोई करे तो सुनने के लिए घंटी सुननी होगी फिर फोन तक जाना होगा और बहुत बार होता था आप रसोई में हो ड्राइंग रूम में हो बाजार में हो फोन बज बज के बंद हो जाता उसमें लिखा कोई मैसेज भी नहीं होता था याद है वो काला फोन एंटीक पीस हो गए अब तो और वो फोन जिसकी तार हमेशा निकली ही रहती थी और टेलीफोन डिपार्टमेंट फोन ही करते रहो फिर खराब हो गया घर हो रही है फिर खराब हो गया तो मैन को भेजो सुनता भी नहीं था पचड़े कम होते थे अब मुसीबत जेब में लेके घूमते हो तुम पत्नी बैठे सत्संग में है मैसेज पे मैसेज आ रहा है पत्नी का आते हुए सब्जी लेते हैं ना दूध भी खत्म हो गया वो भी ले आना रात को पनीर की सब्जी बना दूंगी वो भी लेते हैं आना टेलर से मेरे कपड़े उठा लाना मैसेज पे मैसेज पे मैसेज पे मैसेज लोग ड्राइव कर रहे हैं फोन मोटरसाइकिल चला रहे हैं फोन साइकिल में फोन अभी पिछले दिनों देखा एक वो गाड़ी खींचते हैं ना वो हाथ गाड़ी सामान ढोने वाली जो गाड़ी तो वो मजदूर ने अपने सिर में ऐसा साफा बांधा यहाँ फोन अब तो हाथ तो हैंडल में है ना गाड़ी खींच रहे तो यही फोन यहीं से बतिया रहा है वो यहीं से बात कर रहा है उलझन बढ़ गई कि कम हो गई तो उलझने तुम बढ़ा रहे हो या कोई और एक समय पर मैं इतना ही कहती थी लोगों को कि आप न घर में जब अभ्यास करने तो बस सीधे बैठे और आंख बंद कर लेना अब कहना पड़ता है फोन भी बंद कर लेना क्योंकि दो एक बार ऐसा हुआ कि आश्रम में आ, मैंने फोन किया कुछ काम के लिए किसी शिष्य को और रात के साढ़े आठ बजे हैं तो उन फोन उठा लिया तो मैंने कहा क्या कर रहे थे जी गुरुजी जी जब में बैठा हुआ था मैं जब मैं बैठे हुए थे तो फोन कैसे उठा लिया कह रहे जी आपका था मैं, पर मेरा है यह देखने के लिए तुम्हें आंख खोलनी पड़ी होगी ना हाँ अगर किसी ने ऐसा रिंगटोन लगाया हो गुरुजी कॉलिंग गुरुजी कॉलिंग गुरु <laughs> तब बात अलग है पर सिर्फ अगर फोन की बेल बजी है तो उतने से तो नहीं पता चलेगा ना कि मैं कॉल कर रही हूं तो तुमने आंख खोली वो किसी और का भी हो सकता है मैं तुम कैसा जब कर रहे थे आगे से फोन बंद किया हाँ जी गुरु जी चार छ दिन बाद मैंने फिर मिलाया चेक करने को फिर फोन उठा लिया मैं व्हाट इज दिस व्हाई एक बार बोला ना तो फिर क्यों जी हमें लगा आपको कोई जरूरी काम होगा नहीं तो आप इतने रात में फोन ना करें मैंने कहा कर जरूरी काम यही था कि तू गधे का गधा है कि गधा घोड़ा हो गया और कंक्लूशन ये निकल रहा है कि गधा आज भी गधा इट्स नॉन अब यहां तो पॉसिबल नहीं हो पाया आश्रम में तो हमने जैमर लगवा दिए फोन बजेगा ही नहीं मतलब ही कोई नहीं अभी तो मैं ये भी सोच रही हूं कि उसकी रेंज इतनी बड़ी कर दें कि आश्रम के गेट में एंटर हो तो साढ़े सत्रह एकड़ पूरे आश्रम में घंटी नहीं बजेगी फिर घंटी बजे जा रही और कबीर कह रहे हैं दर्शन जाइए साध को साथ न लीजिए कोई आज का कबीर कह रहा है दर्शन जाइए गुरु जी को तो मोबाइल न लीजिए कोई बाहर मोबाइल रखिए, पाछे होए सो हो <laughs> एक ने कहा जी हम फोन तो जरूर रख देते पर हमारी पत्नी का ऑर्डर हम पूरा ना करें तो हमें बड़ी चिंता हो जाती है क्योंकि वो बड़ी जान गलतान मेरी कर देगी बताओ, पत्नी नाराज हो ना जाए ये चिंता तुम्हें जायदा है गुरु जी बोले हो जा व्हाट इज दिस अब मुझे बताओ यारी गुरु से हुई कि यारी संसार से हुई चूंकि संसार से यारी टूटती नहीं है देखिए दो काम करो या तो पहले संसार से यारी टूटे तो गुरु से लगे दूसरा यह हो सकता है कि गुरु से लग जाए तो संसार छूट ही जाए दोनों में अब कुछ पर कहीं से तो शुरू हो जाओ पर तुम क्या है तुम बड़ी अड़चन में रहते हो तुम तुम बहुत अजीब सा जैसे किसी ने पूछा संता से तेरा घर कहाँ है बोले बनते के घर के सामने बोले बंते का घर कहाँ है बोले मेरे घर के सामने बोले तुम दोनों का घर कहाँ है बोले आमने सामने था एड्रेस कैसे पूरा हो अब दो सिचुएशन है या तो मन संसार से छूट जाए तो गुरु से लग जाए वो होता नहीं फिर दूसरी सिचुएशन ये है गुरु से मन लग जाए संसार छूट जाए वो भी नहीं हो रहा बताओ मैं क्या करूं व्हाट अ डिफिकल्ट सिचुएशन करो तो क्या करो कैसे कैसे काम शुरू हो कैसे एक हमारे संत दास जी हैं वो कहते हम कितना चाहते हैं छोड़ दें पर तेरा नाम छूटता नहीं तेरा नाम प्रभु छूटता नहीं जैसे किसी को तमाकू खाने का किसी को सिगरेट का शौक लग जाए तो पता भी रहता है कि ए, शरीर खराब होगा तो भी वो एक सज्जन कह रहे थे बियर पीने के बड़े फायदे हैं बियर पीने से शरीर में कोई कीटाणु ही नहीं रहता है एंटीबायोटिक नहीं लेना पड़ेगा इसलिए रोज का एक पैग एक बियर हम पी लेते हैं। सारे कीटाणु साफ बोले तो खुल के पेशाब लग जाती सब कीटाणु बाहर भाग जाते हम बीमारी नहीं कभी होंगे इसलिए हम लंबे जिएंगे मैंने कहा वो तो ठीक है आप लंबे जरूर जी जाते अगर आपका बीच में लीवर खराब ना हो जाता कहता वो बात अलग है हमें इतना ज्ञान ही नहीं ना था बस कीटाणुओं तक का सुना था वही प्रैक्टिकल कर रहे हैं जानते हुए पर भी छूटता नहीं है पर ऐसा क्या स्वाद लग गया संत रहदास के मुख को और उनके मन को कि चाह करके भी ईश्वर का नाम छूटता नहीं चंदन घिसा हमने तो जिन हाथों से चंदन घिसता है उन हाथों में चंदन की खुशबू घुस जाती है जिन हाथों से हम मोतिया का फूल की माला बनाते हैं उस मोतिया की खुशबू भी हाथों में बस जाती है वस्त्रों में बस जाती है तो मोतिया के फूल की खुशबू बस जा सकती है चंदन की खुशबू बस जा सकती है क्या गुरु की खुशबू नहीं बस सकती क्या गुरु की खुशबू हमारे जीवन में नहीं बच सकती मैं फिर कह दूं शब्दों को मत पकड़ना शब्द बड़े छोटे हैं शब्द बहुत उधार के होते हैं शब्द नहीं खुशबू उसकी महक वो महक तुम्हारे में आ जाए इस तरह आ जाए कि आप कुछ करो तो पहले यह स्मरण हो क्या ये मेरे गुरु को भाएगा आप कुछ खाने लगो तो आप कुछ बोलने लगो तो आप कुछ सोचने लगो तो अगर हर पग में ये एक रिमाइंडर आ जाए वुड माई गुरु बी हैप्पी इफ आई डू दिस सच जानना अगर ये स्मृतियां आपके अंदर बनने लग गई तो तुम तुम नहीं रह जाओगे तुम तुम हो ही नहीं सकते हो आप बुद्धि से शायद न जीवन को बदल पाए इसीलिए मैं कहती हूं बुद्धि पर आश्रित मत रहिए बदलना ही है तो उसे प्रेम से बदल सकते हैं ज्यादा सरल होता है एक बार शरणागति हुए शरणागति मतलब बुद्धि छोड़ी अकल छोड़ी तर्क छोड़ा कुतर्क छोड़ा बितर्क छोड़ा और बस अपना लिया गुरु ने कहा श्वास पर ध्यान रख तो बस रख लिया गुरु ने कहा सुबह उठ तो बस हम उठने लग गए कोई तर्क नहीं कोई कुतर्क नहीं कोई वितर्क नहीं कोई गुरु ने कहा दान कर हम करने लग जाएं गुरु ने कहा सूर्य उदय देख तो ईश्वर याद हो सूर्यास्त देख तो ईश्वर याद हो हवा बहे तो ईश्वर याद हो चंद्रमा देखे तो ईश्वर याद हो काली अमावस्या की रात देखे तो ईश्वर याद हो गुरु ने कह दिया हम करने लग गए बस इसमें ज्यादा अकल की जरूरत का पर जहां हम अकल लड़ाने लग जाते हैं तो अकल मैली है अकल तो छिद्रों से भरी है अवगुणों से भरी है अंधकार से भरी तमोगुण से भरी इसलिए न ठीक से सोच सकती है न ठीक से निर्णय करती है न ठीक से कर्म होते तो चूक पे चूक गलती पे गलती पे गलती पे गलती, पे, गलती मैं होली के दिन भी ये बात कह रही थी बात प्यारी है सो फिर कहती हूँ मारवाड़ी समाज में घर के बड़े बुजुर्गों का बड़ा आदर करते तो बड़े कुछ कह दें तो छोटे कहते जो थारी मर्जी सोई मारी मर्जी पति ने पत्नी को कुछ कह दिया बोले जो थारी मर्जी वही मारी मर्जी तो झगड़े की जगह कहां बची विवाद की जगह कहां बची कहीं भी नहीं सिंपल गुरु जी जो थारी मर्जी सोई मारी मर्जी इससे और सरल क्या कर दू मैं गुरु ने कहा संसार असत है परमात्मा ही सत्य है गुरु जो थारी मर्जी सोई मारी मर्जी गुरु ने कहा संसार बदलता हुआ दृश्य है <coughs> इस बदलते हुए जगत से मन नहीं लगाना गुरु जी जो थारी मर्जी सोई मारी मर्जी ये अच्छा भजन बन जाएगा है कंपोज करेंगे इसको कल सुनाएंगे अब तो समय नहीं रहा जो थारी मर्जी नहीं वो ही मारी मर्जी ईश्वर जीवन में मेरे कुछ भी करें जो थारी मर्जी मारी मर्जी गुरु ने एक बार कहा बेटा ब्रह्म मुहूर्त में उठना बस उठने लग गए बेटा सोते मत रहना जी गुरुजी जो थारी मर्जी सोई मारी मर्जी मुझे याद आ रहा ये फिल्मी गीत है और बड़ा सही है, है? <laughs> जिस गली में तेरा घर ना हो बाल उस गली में हमें तो गुजरना

पुराने भी कैसे दार्शनिक होते थे पुराने आजकल के नहीं आजकल के तो बड़ा बुरा हाल है बड़ा बुरा हाल है सत्य है जिस गली में मेरे गुरु का नाम नहीं बोलो उस गली में क्या जाना जिस गली में जिस घर में मेरे प्रभु की स्तुति नहीं उस घर में भी क्या जाना तो जो मेरे गुरु से प्रेम करे मैं उसी से प्रेम करूं जो मेरे गुरु से मन लगाए मैं उसी से मन लगाऊं तो देखें फिर झगड़े झांसे कपट ये वो की जगह कहाँ रहती है फिर प्यारे प्यारे लोग मिलेंगे प्यारी प्यारी बात होगी क्योंकि गुरु प्यारा प्यारा है तो गुरु के शिष्य प्यारे प्यारे हैं तो उनकी बातें प्यारी प्यारी हैं तो प्यारे मिले प्यारों से कर कर लंबे हाथ नया मुहावरा हो गया ये मन ये सारा झगड़ा इस मन का है और जब ये मन ही गुरु प्रेम में रंग गया तो यही मन जो संसार में खींच खींच ले जाता था तुम्हें यही मन तुम्हें खींच खींच गुरु दरबार में लेके जाया करेगा यही मन तुम्हें सोते से उठाया करेगा यही मन तुम्हें भजन में बैठाया करेगा यही मन प्यारी से प्यारी वस्तु को भी किसी को दे देने में संकोच नहीं करेगा जब दे ही देना है जब छोड़ ही देना है सब तो अपने हाथ से ही दे दो ना वही अच्छा है पकड़ नहीं रह जाती है फिर क्योंकि जो सबसे अनमोल है वह परमात्मा जब मुझे मिल गया तो मेरे लिए और कौन सी चीज कीमती फिर रह जाती है। डजेंट मैटर्स कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं वारी जाऊं सतगुरु की जिन लाई राम सो यारी मन लाख पापी हो मन लाख गिरता हो पर याद रहे यही मन एक दिन राम से यारी भी तो वही करता है गुरु के पास भी तो यही मन लेके जाता है और मन के इसी बिगड़े हुए रूप में से ही एक सुंदर स्वरूप भी तो इसी मन से निकलता इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूं और आपके भेजे हुए जो प्रश्न हैं सो मैं कल ले लूँगी आज मुझे बहुत कुछ कहना था है ना? तो आज तो जो मारी मर्जी हाँ तो वही तारी मर्जी